ठीक है। तो नाटक जो है उसमें 18+ मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा थोड़ी सी उसमें गाली गलौज है, थोड़ी बहुत मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, लेकिन स्टिल मेरा आपसे कहना ये बनता है कि आप दर्शक हैं तो आप इसलिए हो जाए कि थोड़ी बहुत गाली गलौज है, तो वो सिचुएशन की डिमांड है, वो राइटर ने लिखा है, मैंने हम लोगों ने कुछ अपने तरफ से नहीं छोड़ा, हमने कोशिश की है कि तो चीज़ें कम हों। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारा नाटक अच्छे से देखेंगे और हमें पूरा सहयोग देंगे। मोबाइल अपना प्लीज साइलेंट कर लीजिए, सभी लोगों से निवेदन है, और किसी को अगर फोन आ जाए बीच में बात करनी हो तो कृपया बाहर चले जाए, और खाना पीना जैसे आप कुरकुरे वो सब लेकर आते हैं ना लोग पंद्रह वर्ष की, तो ये नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है, हमारी विनती है। हम उम्मीद है आपको नाटक अच्छा लगेगा, तो आइए देखते हैं नाटक बेबी। प्रस्तुति जो है वो बारहमासा रणकोसी की है और हमारे एसोसिएशन में है, हमारे यूनिवर्सिटी एक तरह से हमारा छात्र, हमारी छात्र प्रस्तुति भी है, इसको हम लगातार अभी इसके बाद लगातार करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, तो बस शांत रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, और मोबाइल वापस से एक बार आपसे हमारे लिए प्लीज मोबाइल तो आप सेटिंग करें। थैंक यू। पतली छहरी ऐसी कि भीड़ में भी तुम्हीं पे निगाह अटक जाए।
ये मकान कब लिया काका? हाँ? क्या तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? मैं पागल खाने में था, वहां तुम्हारी दुनिया का क्या पता चलता है? और पता ही कैसे चलता है? वहां का दिन अलग, रातें अलग, भयानक सपना था वो, बहुत भयानक। खाने को देती हो ना? और नहीं तो चाय ही सही। कल जब घर गया वहां कोई और ही दिखाई पड़ा, सब ऐसे देख रहे थे जैसे सांप बिच्छू देख लिया हो। पीठ पीछे हंस ही रहे होंगे, फौरन वहां से चला दिया। जहां कुछ भी अपना ना हो वहां क्यों रुके? आखिर रुके ही क्यों? बेबी काम कहां करती हो? मैं जरा सामने वाले भैया के पास चेक करती हूं। तुम स्टोव पर निगाह रखना। हां छोटा मैं हूँ या तुम, मैं खा लूंगा। हमें अपने भांजों को देखने का मौका दो,
मैं खिलाया करूं उनको जैसे तुम्हें खिला रहा हूं। अगर पहले जैसे ताकत होती तो मैं ही रिश्ता पक्का कर देता तुम्हारा। काम कहां करती हो? सुना नहीं, काम कहां करती हो? स्टूडियो? कैसा स्टूडियो? फोटो का? नहीं, फिल्म का। फिल्म में कौन सा काम करती हो? एक्स्ट्रा का। बेबी तो फिल्म में एक्स्ट्रा का काम करती हो? बेबी कौन सा तो हमारा खानदान और ये छोटी जात वालों का काम? मां जिंदा होगी तो माथा फोड़ लेती। लेकिन तुम भी क्या करती? जो काम मिला ले लिया होगा। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरी तकदीर का है। मैंने ही गलती की। असल में मुझे मेंटल में जाना ही नहीं था, शिवप्पा के गैंग से भिड़ना ही नहीं था, तुम्हें अकेले छोड़ के जाना ही नहीं था। लेकिन उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ही गलती की है। कोई शिकायत तो ना करोगे? नहीं, खुली आंखों सब देख पाओगे।
अपनी बहन का जो भी सब सह लोगे। यही रुक। राघव, शिवाप्पा ने मुझे रखा है।
नौकरानी आई थी, लेकिन वो क्या जाने कि मैं कौन हूँ, वो वही दरवाजे से ही चली गई। तुमने उससे कहा तो होता, तुम यहाँ किस लिए थे? मेरे कहने से पहले ही चली गई। हम उसी को मलने करें, सोचा था कम से कम आज सब जाने। ऐसी किस्मत नहीं, जो लिखा होता है वो हो क्या करता है, पलटता थोड़ी। चाय भी मुझको बनानी पड़ी। मैंने मुद्दतों से बनाई नहीं, वरना मैं आती हूँ। जरा सुस्ता आज कॉलेज के बाहर की सीन्स की शूटिंग थी, आज इतना काम थी बस। कभी हीरो गलती कर देगा तो कभी हीरोइन गलती कर देगा, कभी वो दोनों सही करे तो कैमरामैन गलती कर देते। गलतियां ये लोग करें और जान हमारी है। मैं दबा दूँ? समय कहाँ है सेवा कराने के लिए? तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। आजकल तो मैं सोच
रचना करती होगी। भावे, भावे। आज इसकी पिक्चर का पोज़, अरे ये पोज़ तो इतना मारवा है ना बाबू, तो तुम सुनते हो दिखते हो तुम ये वाला ना मैंने पहचान लिया। अरे बराबर होशियार है हमारा बाबू, मुझे ये अच्छा लगा बाबू। बाबू Bobby! Bobby!
गिलास और पानी चले खड़े हो। जो बोलता है मैं वही करती हूँ, जैसा कहता है मैं वही करती हूँ, और तुम
नहीं करके किधर जाएंगी? कौन कर देगा मैं? यहाँ औरत बाल बच्चा सब सब सबको पैसा होना पड़ेगा, उन्हीं करके किधर जाएंगी? मेरे को भी, मैं तो उल्टा तुझे को पैसा देती हूँ। अरे राखी, नहीं चाहिए तेरा पैसा साला। हम अभी तक जवान है, अकेला ही कमा लेगा। तू बहुत ताकतवर है, तू बहुत ताकतवर है, तू जो बोलता है वही होता है, तुझसे सब डरते हैं, मैं भी तुझसे डरती हूँ। पापा तू मरद आदमी है, तू बहुत ताकतवर है। भाभी हम अभी तक जवान है। हाँ जी पापा तू जवान है। अरे चल बोल बोल ना, तेरे को क्या चाहिए बोल। शिवापा यहाँ एक मेहमान आने वाला है। मेहमान? हाँ। कौन है? मेरे रिश्ते का है। कितने दिन को? थोड़े ही दिन को, यहाँ जरा ज्यादा दिन भी रहे। ससुरेंगा किधर? वो बाहर सो जाएगा, उसका इंतजाम हो गया है। तू हाँ बोलना शिवापा। देख है कौन औरत के मरण? मरण? लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है, वो बीमार रहता है बेचारा, बहुत कमजोर है। बीमारी का है? बीमारी 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 दिमाग की, मेरे भाई जैसा है, यूं समझो कि भाई ही है। राघव? राघव आया क्या? छूटा पागल खाने से वो छूटा क्या? छूटा पागल खाने से वो हाँ, तेरे को कैसा मालूम? तेरे को कैसा मालूम वो आया था क्या इधर? इधर इस थाना राघव? ए राघव शिवापा, 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 तू सब भूल जाना, वो भी सब भुला चुका है, तू उसको माफ कर देना। शिवापा जो हिम्मत वाला होता है वो माफ कर देता है, तू बहुत हिम्मत वाला है, तू उसको माफ कर देना शिवापा, माफ कर देना। तू फसाएंगी मेरे को? फसाएंगी? फसाएंगी तो? फसाना होता तो बता दी क्यों? बाबे ठीक है, ठीक है, रहने दे उसको इधर। राघव शिवापा रहने दे। सच रहने दे यार। जगह किया? अजय हमने पूछा क्या जगह किया?
आंख नीचे पड़ रही हो इसीलिए पूछा। ये सेट अभी बहुत टाइम है, रीटेक पर रीटेक चल रहा है। क्या हीरोइन है, चार डायलॉग रट नहीं पाती। कैसे ये लड़कियां हीरोइन बन जाती है भगवान जाने, जबकि हीरोइन बनने के लिए कुछ और ही गुण होने चाहिए। ये सुबैया को बिल्कुल सेंस नहीं है टेनिंग का। पिछले शॉट पे ट्रॉली चला रहा था लड़का, जबकि जूम पे वो फर्स्ट क्लास आता, सब देखते रह जाते। लेकिन इन्हें समझा कौन सकता है, ये शहर की स्मार्ट का। अरे हमारा भी दिन आएगा, हम भी बनेंगे डायरेक्टर। बेबी व्हाई नॉट यू, तुम भी हीरो बन सकती, आज नहीं तो कल। चेहरा नॉट बैड, थोड़ा 3/4 में संभालना पड़ेगा। और उस बेवकूफ लड़की से तुम्हारी याददाश्त तो जरूर अच्छी होगी, तुम हिरन बन सकती हो। तुम पिला रही हो, रात रात भर जगना खराब बात होगी, सारा फॉर्म सत्यानाश हो जाए। तुम्हारा फॉर्म अपीलिंग है, चेहरा नॉट बैड। एक रोज मैं तुम्हारे घर आऊंगा बेबी, बोलो तो आ जाऊं। आज नहीं, नहीं करते सर, मैं बुलाती हूं ना आपको किसी रोज। ओके ओके, आज कोई और आ रहा होगा, आज नहीं तो कभी और सही। लेकिन मैं एक रोज तुम्हारे घर से आंखें खोलूंगा। अभी चाय पी लेते चलते हैं, चल। Ah!
किसाचे पकड़ता किसाचे किसाचे पकड़ ये बताओ नहीं करना ये लो तुम्हारी
मुझे भूख नहीं है, भूख मार गई है मेरी। मजे
सिद्धार्थ जी पहचानी क्या है भाई चूचू 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 क्या है चूचू चूचू नहीं पहचान भाई नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेबी, सॉरी मेरी मही लाने वाला था जल्दबाजी में भूल गया ओके शराब सोडा सोडा लेकर आओ सोडा सोडा तो नहीं है शराब है सोडा नहीं है ओके सोडा नहीं है पानी से काम चलेगा बर्फ बर्फ वो भी नहीं नॉनसेंस शराब में बर्फ नहीं है ओके चलेगा समथिंग इज बेटर देन बिल्कुल नथिंग मेबी ओके ग्लास लेकर आओ आज मौसम बड़ा बेईमान दरवाजा खोल नहीं तो मैं तोड़ दूंगा
शिवापा, शिवापा, क्या हुआ शिवापा? कंकामा मर गई। चल के राखो बबी, खून के साथ था उसका, उसका हाथ और पांव लकड़ी मापे लटके लाता। कंगमा मर गई बाबी, 32 बरस तक मेरा साथ दिया हो, मेरा सारा गुनाह माफ किया, मेरा हका मतलब होया, मैं दारू पी के मारा उसको, रात में उल्टी किया वो तक साथ, कल से मेरा बच्चा को बड़ा किया पढ़ाया, मेरा माता सती ईमान वाली गंगम्मा तो मेरे को काहे छोड़ के चली गई गंगम्मा। अब आया तू, जब तेरी औरत मर गई तब याद आई तुझे यहाँ की, हाँ तब यहाँ आके भी अपनी औरत को रोता है। शिवापा, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, तू आजाद है और मैं भी आजाद। मेरा भरत मेरे को छोड़कर चला गया, और तू ये बेबी, कुतिया, किसने बनाया? Yeah।
मैं दिया ही ना तेरे को दुनिया से लगे लिए सलाम मैं बोली बना और पूरी दुनिया से आकर उठती है अभी चल निकल बाहर जाओ नहीं शिव बाबा मेरा यहाँ तेरे सिवा कोई नहीं है यार वो है ना साला वो स्वर चल भाभी निकल निकल आठ नीचे तू मेरे को देख बॉबी मेरे को क्रिकेट नहीं मानता है मैं पहले बता रहा मेरे को क्रिकेट नहीं मानता है तो निकल यहां से बॉबी चाहिए नहीं तू मेरे को बॉबी बॉबी मैं जा रहा हूं सुबह तक तो मेरे को इधर चाहिए नहीं और असम इधर से एक पंची वस्त्र आगवाना जहां भी तू रहेगी वहां से खींच के अक्का पब्लिक के सामने न लग रही हमारे घर तेरे को रंडी सारी ए गंगा का तू तेरे से चाहे Thank you.
उम्मीद थी उसके आसपास तो नहीं, अगर 10% लोग कुछ भी कर पाए तो बहुत आप लोगों का वो रहेगा। और प्रस्तुति नियंत्रण में अरविंद भाई, अरविंद सिंह केंद्रीय चरित्र जो बेबी का था वो रितिका गार्गे, राघव निर्भय कर्तव्य ठाकुर, हमारे निर्देशक मुकेश जाधव संगीत पर भी, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर आप सभी छात्रों और कलाकारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और बहुत कम समय में और बहुत कम साधनों में इन्होंने हमारे दर्शकों को बांध के रखा। हालांकि हमारी काफी दर्शकों को जाना पड़ा क्योंकि हमारी जो बसेस लगी हुई है उनका समय 4 बजे था। बहुत अच्छा रिस्पांस, जब तक पूरा दर्शक हमारे साथ थे बहुत अच्छा रिस्पांस उन्होंने भी दिया। तो नाटक में वो बात थी कि बहुत कम किरदारों के साथ और बहुत कम सुविधाओं के साथ और तैयारी का भी समय नहीं मिला था क्योंकि इनका वाइवा भी चल रहा था। कहिए सब एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है, कुल मिला के नाटक को एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, अपने आप में बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई। और अब हमारे जो आज एक्सटर्नल फैकल्टी के तौर पे वाइवा के लिए सर आए हैं डॉक्टर अजीत कुमार जी, दून यूनिवर्सिटी से HOD हैं रंगमंच विभाग के, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें, उसके बाद हमारे 3-4 छात्रों का वाइवा बाकी है वो भी हमें संपन्न करना है। सभी को अच्छे नाटक की मंच की बधाइयाँ और आप सभी ने इतनी देर तक रहे इस नाटक को देखा, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सब रजिस्ट्रार सर को ख्याल सर हैं तो आई थिंक हमारे बहुत मैं देखूँ लाइफ में हूँ। वही सर समापन की घोषणा आपकी ओर से हो जाए। चलिए ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारे छात्र रुके रहेंगे जिनका वाइवा बाकी है, बाकी सब साथी जा सकते हैं। बहुत बहुत